नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। एडमिशन ओपन एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज सीबीएसई पैटर्न एजुकेशन, साथ ही एसआरएस एच कॉलेज और एसआरएस आईजीआई में आज ही एडमिशन कराएं। पता है गाजीपुर रौनाबाद आजमगढ़, मोबाइल नंबर 8573919379। जालौन के जिला कारागार में निरुद्ध एक कैदी ने खुद को आग लगा ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतक के परिजन जेल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बता दें कि जालौन डोरे कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी मूलचंद अपने पुत्र की हत्या के आरोप में जालौन जिला कारागार में बंद था। सोमवार की सुबह मूलचंद ने जेल की बैरक में बने बाथरूम में खुद को आग लगा ली। कैदी द्वारा खुद को आग लगाने की सूचना मिलते ही जिला कारागार प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए मामले की जाँच किए जाने की मांग की है। अब मूलचंद प्रजापति ने जेल के अंदर बाथरूम में आग लगाई, कैसे आग लगाई ये हम लोगों की समझ में नहीं आ रही। वहाँ से मिट्टी का तेल कैसे पहुँचा, माचिस तीली कैसे पहुँची, प्रशासन की लापरवाही ही मानते हम, जेल प्रशासन की लापरवाही मानते इसमें। जेल प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है कि वहाँ पर ये सब ज्वलनशील पदार्थ वहाँ वर्जित हैं, वहाँ कैसे पाए गए, ये कैसे आग लगाई है ना। ये मूलचंद प्रजापति 3 दिन पहले जेल में बंद हुआ था, और हुआ क्या, इसका 2 महीने पहले इसका बड़ा बेटा ख़त्म हो गया था, वो भी आग लगने से हो गया था। उसके ससुराल पक्ष में मुकदमा लिखवाया था मूलचंद प्रजापति के खिलाफ। जो राजेंद्र नगर रही कोतवाली का रहने वाला था, अपने कपड़ों में जो है नाइट लाइटिंग में घुस के आग लगा दिया। बात तो पहरेदार बंदियों ने देखा, उसको बुझाने की कोशिश किया। मैं तथा डॉक्टर और अन्य स्टाफ आए, उसको जो है प्राथमिक उपचार के बाद जो है सलन भेज दिया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये किस चीज से आग लगाई है, ये मतलब ज्वलनशील पदार्थ क्या था, इसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल? उसके बर्न जो है ड्राई है, इसलिए ज्वलनशील पदार्थ का कोई संभावना नहीं है। केवल कपड़ों में आग लगी थी, और मृत्यु का क्या कारण है, कारण नहीं है या और कोई, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने जांच नहीं आती है मुझे। तो आग कैसे लगाई, माचिस उसके पास कैसे आई, क्योंकि जेल में चीजें तो अलाउ नहीं है। माचिस बंदियों के पास दो तीन बंदी चिन्हित करके रखे जाते हैं ड्यूटी जलाने के लिए, उन्हीं के पास रहती है। उसमें से किसी तरीके से वो जो है गर्मी का दिन है, कहीं से भी पीली लहर ले करके जला सकता है। तो ये किस मामले में बंद था? ये इसको जहाँ तक जानकारी है, इसको लड़के की मृत्यु हो गई थी। लड़के की पत्नी ने इसके खिलाफ एफआईआर लिखाया था 350/18 4498 304 IPC और 304 DPS। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।